दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर कृष्णा नगर वार्ड का माहौल क्या है, यह जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं कृष्णा नगर के सलम बस्तियों में। आइए देखते हैं कि यहाँ के लोगों का रुख क्या है। लोग झाड़ू को ही मानते हैं, सब यहाँ वाले लोग जो हैं झाड़ू को ही मानते हैं। झाड़ू ही को मानते हैं सर। झाड़ू चलेगी अब की बार? नहीं नहीं, झाड़ू जीतता है वो। उन्होंने कुछ नहीं करा अब तक। सिलेंडरों के रेट देखो अब 1100 रुपये हो गए। 80 रुपये किलो टमाटर प्याज हो रहे हैं। नहीं वैसे केजरीवाल ने अच्छा काम किया है, हॉस्पिटल की बहुत अच्छी उन्होंने की है, सरकारी हॉस्पिटल उन्होंने बहुत अच्छे बना दिए। हम भी जाते तो हमें भी अच्छा लगता है, साफ सफाई बहुत है, लेकिन अभी भी देख लो गरीब तो और गरीब होता जा रहा है। लेकिन नगर निगम का चुनाव है, उसमें किसको देखना चाहते हैं आप? हमारी तरफ से तो केजरीवाल ही आना चाहिए अब की बार। केजरीवाल झाड़ू चलेगा, फूल खिलेगा, जिसको जो वोट मिल जाएंगे ज्यादा वही जीत जाएगा। अब जो यहाँ के लोग किसको पसंद करते हैं? झाड़ू को पसंद करते हैं, कमल के फूल को या पंजे को, हाथ को? झाड़ू जिस मर्जी को दे देते हैं हम जी, जिस मर्जी को दे देते हैं हम। जो आप बताइए जी। बोल रही है वो मम्मी है। गोविंद साहब क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? झाड़ू छाप चल रहा है भाई साहब। अब ये तो वोट के मुताबिक पता चलेगा कि किस कौन जीतेगा। वैसे ज्यादा तो लोग कमल या हाथ पे ही वोट दे रहे हैं। जो जो अधिकारी की बात मानता हो कर्मचारी, वही पार्टी चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं जो जिसके लिए करेगा उसको ही मिलेगा। बीजेपी आनी चाहिए दोबारा, झाड़ू मुश्किल है। बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी इसलिए आएगी, चारों तरफ रंग उसी का छाया हुआ है। आप बताइए अब जो मर्जी आए, अभी तो कोई कह नहीं सकता कोई हारेगा कौन जीतेगा।